लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया, कहा उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। बधाई देते हुए उनके उत्तम और दीर्घ जीवन की कामना हम सब करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ₹140 करोड़ की भारत की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है, तो दुनिया ने भी एक नए भारत का दर्शन किया है। आजादी के बाद पहली बार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना अपनी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और युवाओं के लिए जो अनेक कार्यक्रम पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुए हैं, इन्होंने देश के करोड़ों लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य किया है। आज इसी का परिणाम है कि भारत के अंदर 140 करोड़ जनमानस के मन में जहां एक नया आत्मविश्वास भरा है, तो वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही भारत को आज आम भारत के नागरिकों के प्रति भी एक सम्मान का भाव दुनिया के अंदर देखने को मिला है। अनेक योजनाएं, पहली बार हुआ है कि किसान और कृषि ये किसी शासन के एजेंडे की प्राथमिक सूची में आए हों। ये पहली बार हुआ है जब युवाओं के लिए न केवल रोजगार बल्कि उनके स्वतः रोजगार के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम स्कूली जीवन से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, पीएम मुद्रा की योजनाएं, बेटियों और महिलाओं के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के इन कार्यक्रमों ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करके एक नया आत्मविश्वास भरा है। पहली बार देश के अंदर अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होते हुए भी देखा है पिछले 9 वर्ष के अंदर भारतवासियों ने। योग को वैश्विक मान्यता मिलना, आयुष को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति के प्रति एक नया आकर्षण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर